नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिलायंस पावर शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि सर इस स्टॉक में हम स्टक हो चुके हैं, किसी ने 20 पे खरीदा है, किसी ने 24 पे खरीदा है, कोई लॉन्ग टर्म अवधि वाला है, बहुत सालों पहले खरीदा था, अब भी उसकी शेयर लगभग लगभग 80% डाउन हो चुकी है हमारी पोर्टफोलियो में। करे तो करे क्या, रुके एग्जिट करें या फिर यहाँ पे और बाय करें? बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है क्या ये मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज से जो आता है शेयर तो बहुत सारे लोग इस पर बुलिश भी है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा, कोई शेयर्स में मैं चार्ट नहीं चेक करता हूँ और कोई शेयर्स में मैं चार्ट चेक करता हूँ। आप सभी को पता है मैं बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग कैंडिडेट्स देता हूँ। दो दो दिनों में हमने 40-40% के स्टॉक्स दिए थे टेलीग्राम पे, आप हो गए ज्वाइन तो आपको पता है। एंड लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कहा कि लाइक्स कीजिए वीडियोस को, तो बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक्स फॉर दैट कि मेरे मेहनत को आप यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा आज कि कैसे स्टॉक्स चूज करें या फिर कैसे स्टॉक चूज नहीं करें लॉन्ग टर्म अवधि के लिए, और कंपनी के बिजनेस मॉडल और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे पहचान के किसी स्टॉक में एंट्री करें या फिर एंट्री नहीं करें, ये दोनों को आपको बताऊंगा। एज मैं इंडिपेंडेंट आपको बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर बाय करें, कोई भाई टिप दे रहा है तो उसको कहने पर बाय करें। आता अच्छा बात तो ये भी है कि मैं भी स्टॉक्स देता हूँ बट उसमें प्रॉफिट होता है ना बहुत, हमारा 5% टाइम ऐसा आता है जिसपे हम 1-2% का लॉस लेते हैं, तो 40-40% हम स्टॉक को फोड़ा है। आपको पता होगा कि मैं ब्लास्टिंग कैंडिडेट कहता हूँ उनको, तो बहुत सारे ऐसे मैं स्टॉक देता हूँ जिसकी वजह से लॉस तो नहीं होता बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। सो लोगों का प्यार भी बहुत मिलता है इसमें। बट मैं आपको इस स्टॉक की स्टोरी बताऊंगा और क्यों आपको इस स्टॉक में रहना है या फिर नहीं रहना है इसका रीज़न भी आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चारों का लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस है। टेलीग्राम पे तो आपको ज्वाइन होना ही चाहिए, आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पे 50-50 हज़ार लेके सिखाते हैं मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहता हूँ, तो प्लीज़ एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा टेलीग्राम। आप सभी को रिलायंस पावर के बारे में पता होगा, रिलायंस पावर हैज बिन इस्टेब्लिश टू डेवलप, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। तो यहाँ पे ना कि सिर्फ इंडिया में तो बाहर देशों में भी इनके प्रोजेक्ट्स है, 36 सब्सिडरीज है इनकी। अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो सब्सिडरी से पैसा आ रहा है कि जा रहा है उनमें, वो तो आपको PNL में मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप इस कंपनी का पूरा पूरा डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्यों कंपनी अच्छी है और क्यों कंपनी बुरी है, कौन सी चीज़ें बुरी और कौन सी नहीं है। सो यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है पावर के लिए, और हमने बहुत दिनों पहले पावर में डिमांड भी देखी है और पावर सेक्टर के जो शेयर्स चले, टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, उनमें तो क्या ही बोलेंगे, बहुत तगड़ी रैली चली और हमने वो रैली कैप्चर भी की है। बट अगर इस शेयर के बारे में बात करें, रिलायंस पावर के बारे में बात करें, तो ये शेयर चला ही नहीं। सो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? जब अदानी पावर ऊपर चल रहा था ये 16 रुपये से 14 रुपये पे आ चुका था, सो ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ का है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। बट कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 15 है, पेनी शेयर है। सो लोगों को प्यार हो जाता है इस शेयर से जल्दी, क्योंकि सीन क्या है, जो लोगों के पेनी शेयर्स होते हैं, मतलब कोई बंदा नया है मार्केट में, तो उसको ये पार्ट पढ़ाया जाता है कि छोटे शेयर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा आती है, सो आप क्वांटिटी उठा सकते हो। बट मेरा क्या ये कहना है कि आप एक ही शेयर उठाओ बट क्वालिटी शेयर उठाओ, ठीक है? आपके पोर्टफोलियो में एक ही क्वांटिटी चलेगी बट वो कंपनी क्वालिटी होनी चाहिए। पेनी शेयर्स डबल होने में टाइम लगेगा बट जो वो शेयर्स होंगे वो डबल होने में टाइम नहीं लगाते, एज एन परसेंटेज आपको मिलने वाले हैं, एज एन क्वांटिटी रिटर्न नहीं मिलने वाला, एज एन परसेंटेज आप वहाँ पे रिटर्न्स कमाओगे इस मार्केट में। कंपनी के हाई लो आप देख सकते हैं, 4 रुपये से 19 रुपये हाई बनाया था इसी साल में, सो ऑलरेडी अ गुड विनर कह सकते हैं। बट आप ऐसे इसमें बहुत जल्दी बाय नहीं कर सकते या फिर सेल नहीं कर सकते, अपर सर्किट लोअर वाला स्टॉक है। कंपनी का स्टॉक भी अवेलेबल है 257 का, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी का स्टॉक का जो वैल्यूएशन या फिर इस कंपनी का वैल्यूएशन एज पर शेयर प्राइस वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। अभी वो क्यों मैं आपको बताता हूँ, कैसे ओवर वैल्यूड कंपनी पहचाने में बताता हूँ। कंपनी का बुक वैल्यू 38 है जो कि ठीक ठाक है, कंपनी ने डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। अभी ऐसा क्यों है, कंपनी के पास 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा के पास यहाँ पे फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, फिर भी कंपनी ने 1 भी रुपये डिविडेंड नहीं दिया, तो इसका भी रीज़न आपको बताता हूँ। और ये 4,000 करोड़ इनके पास कैसे आए, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 46 करोड़ रुपीज़ लास्ट ईयर में कमाई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का डेट देखेंगे तो नियर टू 24,000 करोड़ के आसपास है, जो कि ये इनके लिए बहुत भारी होता है, कभी कभी इनके पेमेंट्स डिफॉल्ट भी होते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इसी पे देखा जाए तो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है 2366 करोड़, मतलब नियर टू 10% का इंटरेस्ट कंपनी ईयरली पे करती है
टू बैंक्स, और कह सकते हैं कि बहुत सारे बैंक्स इनकी वजह से फंस भी गए, और उनमें से एक येस बैंक भी है। सो येस बैंक का भी इन्होंने पैसा लिया हुआ है और वो अभी इनके बिजनेसेस में चालू है, देखते हैं क्या होता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 1.84 है, जो कि मेरे खिलाफ, मेरे जो रूल्स है उसके खिलाफ जाता है। क्यों? मेरा रूल यही है कि 0.5% के ऊपर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए, कंपनी के लिए बहुत भारी हो जाता है ऐसा डेप्ट रिड्यूस करना। तो देखते हैं अभी और आगे आगे क्या है। कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 25% रखी है, तो ये भी एक रिस्की मामला है। अगर देखा जाए कंपनी के असेट्स का जो रिटर्न है वो बहुत कम है। अभी आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है, ये कौन देखता है इसे, इसका कोई मायने नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिटर्न ऑन असेट्स के कोई मायने नहीं होते। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, आप अपने पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, और ध्यान में सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ध्यान दीजिए। कंपनी 10% बैज भर रही है। कंपनी ने 23,000 करोड़ किस चीज़ के लिए उठाए? कंपनी एक तो असेट खरीदेगी या फिर कंपनी एक इम्प्रूवमेंट करेगी, ओके। उस इम्प्रूवमेंट पे इनको कितना परसेंटेज? 1% का भी रिटर्न नहीं आ रहा है, और कंपनी खुद के जेब से 10% दे रही है। आप बताओ कौन सी कंपनी होगी ऐसी जो खुद के जेब से पैसा लगा लगा के बिजनेस बना रही है? सो देर आर वेरी रेयर कंपनी, और ये कंपनी फिर भी 3 साल पहले से ही लॉस में है। सो मैं आपको वो बताता हूँ क्यों लॉस में आए, और अभी और कितने लॉस में जा सकते हैं, और या फिर इसे प्रॉफिट करने के लिए, या फिर ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट के लिए वो कौन सी होने वाली है वो बताता हूँ। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो इट्स वेरी गुड, 109% की है। सो यहाँ पे एक अच्छी बात है, कुछ बुरी चीज़ें कुछ अच्छी चीज़ें, यही कंपनी होती है, इसीलिए कंपनी खड़ी होती है। सभी अगर बुरी चीज़ें देखेंगे तो कंपनी खड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक भी चीज़ अच्छी है, और कंपनी का यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर्स ऑफ शेयर्स लाइकली 340 करोड़। सो आप कहोगे कि कोई बड़ा बंदा आके इसे एक्वायर कर लेगा और ऑपरेटर आके ऊपर चढ़ा देगा, सो इट्स इम्पॉसिबल। इन 340 करोड़ शेयर्स में से 25% खाली यहां पे शेयर होल्डर के पास है, 75% ओपन मार्केट में। अभी वो पब्लिक के पास ज़्यादा है, मैं बताता हूँ पब्लिक के पास शेयर होने ज़्यादा होने के बाद क्या होता है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में। बट कंपनी का हम यहाँ पे पीएनएल चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा, अगर हमें ये शेयर चूज़ करना है तो। दोस्तों मैं सीधा यहाँ पे आ चुका हूँ सेल्स पे कंपनी के, और ये ईयर ऑन ईयर का रिपोर्ट है। 21 करोड़ रुपीज़ से कंपनी ने बहुत बड़ा जंपअप किया है, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा खासा काम हुआ है कंपनी का। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो कंपनी का जो अदर इनकम्स था पहले वो 1300 करोड़ आसपास था, अभी कंपनी का अदर इनकम 200 करोड़ पे ही रह गया है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कंपनी का अदर इनकम कम हो गया, बट उनका पहले इंटरेस्ट वो 9 करोड़ पे करते थे, मतलब डेब्ट कम था। अभी देखिए 2366 करोड़ रुपीज़ पे कर रही है, अभी डेब्ट ज़्यादा हो गया, मतलब पहले इनकम ज़्यादा थी अभी आउटकम ज़्यादा हो गई है। सो ये समझ रहे हो ना आप, मतलब कंपनी का जो इनकम है वो हमेशा एक कंस्टेंट रहना चाहिए, फिर 10% ईयरली बढ़ना चाहिए, इनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। सो एक बहुत गलत बात है। अभी आपको ये गलत बात कैसे साबित करूँ ये आपको बताता हूँ। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेगा आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 3,391 करोड़ के, इट्स वेरी बिग अमाउंट। अगर सिर्फ इनके ये डेप्ट ना होता ना तो ये 2366 करोड़ कटने होते, और कंपनी 22 करोड़ के प्रॉफिट की जगह 2388 करोड़ के प्रॉफिट में होती। सो ये होता, ये इनके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से, इनके डेप्ट की वजह से पूरी कंपनी का प्रॉफिट ही पलट गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी कंपनी आप चूज़ करते हो, उस पर एटलीस्ट डेप्ट देखिए कि कंपनी पे डेप्ट कितना है। विदाउट डेप्ट आप प्लीज़ कंपनी को बाय मत कीजिए, इट्स वेरी हार्मफुल टू यू, इट्स वेरी बैड टू यू, बिकॉज आपका जो मेहनत का पैसा है वो कंपनी को नहीं पता आपके मेहनत का है कि चोरी का है। वो अगर कंपनी में लगाते हो, कंपनी अपना काम कर रहे, अगर अच्छी कंपनी चूज़ नहीं की तो वो आपका पैसा पूरा खा सकती है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत सीखने को मिलेगी कि जब भी कंपनी पे हाई डेप्ट हो हमें उस कंपनी पे इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, हमें उस कंपनी से दूर रहना। बट स्टिल बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैं इस कंपनी की आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिखाता हूँ, बैलेंस शीट में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो बैलेंस शीट में सीखने को मिलेगा वो कहीं पे नहीं मिलेगा। कंपनी का शेयर कैपिटल पहले से ही बहुत ज़्यादा रहा है, बट स्टिल कंपनी ने थोड़ा सा वापस 3,400 करोड़ का शेयर कैपिटल किया मार्केट से पिछले क्वार्टर से। इस क्वार्टर में मार्च 2021 से सितंबर 2022 तक लगभग 600 करोड़ उठाए गए। सो ये यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया, उठाया है चीज़, कर्जा उठाया, तो ये गलत है। रिजर्व्स कंपनी के देख सकते हैं 12,000 करोड़ के थे, वहाँ से अभी सिर्फ 9,000 करोड़ के रह गए। तो यहाँ पे एक्चुअली इनके पास देखा जाए तो एटलीस्ट मतलब फंड्स है कि भाई थोड़ा ग्रोथ करे, बट इनके जो डेब्ट देखेंगे 2,000 करोड़ से कितना हो गया है,
23,947 करोड़। तो ये डेप्ट 10 गुना बढ़ चुका है। रिजर्व्स घट गए, 12,000 थे बीच में तो और भी थे, 18,000 तक आ गए थे, 18,000 से 9,000 नहीं बोले तो 50% रिजर्व्स घट गए, डेप्ट बढ़ गए 10 गुना वो अलग से। तो ये एक चीज़ सीखने वाली कि इन्होंने अपने रिजर्व्स भी थोड़े घटाए बट जो डेप्ट है वो भी कंटिन्यूसली इनका बढ़ाए। बट बीच में देखेंगे 2018 में आप कहेंगे यार वन साइड स्टोरी बता रहा है क्या बंदा, क्योंकि तो बीच में इनके लगभग लगभग 33,000 करोड़ के डेप्ट थे, अभी 23,900 करोड़ के, मतलब नहीं बोलो तो इन्होंने 10,000 करोड़ के आसपास डेप्ट कम किया। वो क्यों काउंट नहीं कर रहे मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। बट एक चीज़ तो ध्यान दो कि कंपनी कमाई नहीं रही है 4 साल से, तो ये डेप्ट रिड्यूस कैसे हुआ? किसी ने ये बात सोचे? पहले तो इनका रिजर्व्स कम हुए, वहां से एक तो डेप्ट रिड्यूस हुआ होगा, अदरवाइज सेकेंड चीज है आपको बताता हूं मैं, डोंट वरी। कंपनी के पास पहले उसी साल 33,000 करोड़ जब इनके पास बोरोविंग थी, उसी साल कंपनी के पास जो अदर असेट्स थे वो 21,000 करोड़ के थे। इन्होंने लगभग लगभग 10,000 करोड़ के आसपास बोरोविंग घटाई और सेम स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने अदर असेट जो है वो 10,000 करोड़ के घटाए। तो आप बताइए अगर मुझे अपने बोरोविंग कट करने के लिए खुद के असेट्स बेचने पड़े तो मैं क्यों उस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? इतनी सिंपल है फाइनेंशियल्स, इतने सिंपल से कि आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देना है, ठीक है? तो ये समझ जाइए कि अगर कंपनी कंटिन्यूसली अपने जो डेप्ट रिड्यूस करने के लिए अगर असेट्स बेच रही है तो मैं उस कंपनी में क्यों जाऊँ इन्वेस्ट करने के लिए? ओके, सो भी कंपनी का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग। आप कहते हैं ना कि यार वन साइड स्टोरी तो बता नहीं रहे हो। कंपनी का 45% का यहाँ पे स्टेक था, अभी लगभग लगभग 25% का हो गया, 45 से 25। कितने हज़ार करोड़ की कंपनी बेची इन्होंने ओपन मार्केट में, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। और इनको खरीद कौन रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, FIIs थोड़ा सा स्टेक बनाए रखी है, DIIs लगभग 5% से 3% पे आ चुकी है, मतलब कम हो चुका है। और यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेक 43% से 65% मतलब पब्लिक का है। अभी लोग कहेंगे यहाँ पे बीच में इन्होंने बहुत बड़ा स्टेक खरीदना चालू किया है, वो आपको बताता हूँ कैसे। बट लुक एट दिस पब्लिक शेयर होल्डिंग, ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है। कंपनी को एक बैड न्यूज़ काफ़ी है कि ये पब्लिक भागे धड़ाधड़ ओपन मार्केट में शेयर बेचेगी और उसी दिन क्या होता है लोअर सर्किट लग जाते, कोई बेच भी नहीं पाता। एज एन ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, अगर मुझे मेरे रेट पे कोई चीज़ बेच नहीं सकता हो, मेरे रेट पे कोई खरीद नहीं सकता हो, तो मैं उस वहाँ कंपनी में क्या करूँ? मैं नहीं ट्रेड कर सकता हूँ या फिर मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ उस कंपनी में जिसे मेरी प्राइस पे ना मैं बाय कर सकता हूँ ना मेरी प्राइस पे मैं सेल कर सकता हूँ। सो सॉरी फॉर दोज हु वाज इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, बट लिटरली मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैंने रिजल्ट बहुत सारे बताए, कंपनी इज़ नॉट इन प्रॉफिट, कंपनी इज़ इन कंटिन्यूसली सेल असेट्स, और ये जो बोरोविंग है वो कंपनी ने कम की, बट उसी दौरान कंपनी के रिजर्व्स भी कम हुए हैं, कंपनी के जो डिफॉल्ट पेमेंट्स है वो भी केसेस इन पे रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अगर मैं कंपनी में निवेश करता हूँ तो मैं मतलब ज्ञान होने का फ़ायदा नहीं होगा मुझे। मेरे पास 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी है, BSE में लिस्टेड, NSE में लिस्टेड, मैं उनमें जाके ट्रेड करूँगा, अदरवाइज इनमें। और वैसे भी आप सभी को पता है हम इतने अच्छे अच्छे शेयर्स देखते हैं, इतने एक एक दो दो महीने में हमने 60-60% कमाए, तो मैं इस कंपनी के पीछे क्यों पढ़ूँ? ओके, जिन्होंने होल्ड किया है भाई वो मैं एक चार्ट पे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ कौन से टारगेट्स आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इस कंपनी से दूर रहना ही पसंद कीजिए। जिन्होंने नहीं खरीदा प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी एंड लुक एट दिस, ये जो पूरी बाइंग है ये खुद कंपनी के द्वारा की गई है एंड पैसा जब खत्म हो गया तो साइडवेज आ गई है। बट एक बैड न्यूज़ आई ना तो ये शेयर बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ओके, बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, और गुड न्यूज़ आएगी तो ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि पब्लिक है। बट एक सीन ऐसा भी है कि यार बेचने वाला कौन है फिर, खरीदने वाला भी पब्लिक के पास ऐसे शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है, ओके ना? तो यहाँ पे मैं टारगेट तो कुछ देना नहीं चाहूँगा, बट आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे प्ले कर सकते हो। लगभग लगभग आपका सपोर्ट हो जाता है 1420 का और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है 1680 का, तो आप यहाँ पे इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। इसके हाई ब्रेक पे आपको बाय करना है तो बाय कीजिए, इसके लो पे अगर सेल करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, बट ये FNO में नहीं है तो आप एक ही दिन यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। बट उसी दिन अगर कुछ न्यूज़ आ गई, मार्केट रिवर्स हो गया, अपर सर्किट में लग गया स्टॉक, तो फिर आपको उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने डिलीवरी में क्वांटिटी खरीदी नहीं है, इंट्राडे में खरीदी है, उसे डिलीवरी में अगर नहीं कर पाए तो ऑक्शन फाइन मारेगा, वो अलग से। अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड नहीं है तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम हिम, और अगर कोई इन्वेस्टेड है बहुत साल से तो मैं एक ही कहूँगा
कि भाई अगर बहुत साल से इन्वेस्टेड है तो आप दूसरा शेयर भी ढूंढ सकते हो, इतने सालों में एग्जिट कर सकते हो ऐसे शेयर से जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस ले रही है और अच्छा नहीं कर रही है। बाकी मेरा इस कंपनी से इतना कोई मतलब है नहीं नाता, और मैंने इसमें कभी इन्वेस्ट भी नहीं किया है। मेरी तरफ से इस कंपनी को ना है, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और ना ही इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फिर बड़े बड़े लोग हैं वो इतने अच्छे खासे कदम उठा रहे कंपनी के लिए। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, मैं इसे कंपनी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल के वीडियो में। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चारों का लिंक है, एक बार चेकआउट ज़रूर करिए।